नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। चुनाव प्रचार में जुटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार भी किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जीत का दावा भी किया है। सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र के वादों को पूरा किया जाएगा। प्रदेश के लिए हर बेहतर काम किया जाएगा, सीएम धामी ने ये बातें कही हैं। तो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया है। खटीमा से ही बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा है। अपना विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, और ऐसे में यहां पर चुनाव प्रचार किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। चुनाव प्रचार में प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। जो विषय मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, ये मेरी पार्टी का संकल्प है, जिसे नई भाजपा सरकार गठन होते ही इसको पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है, और इस कर्तव्य को पूर्ण करने हेतु हम पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। हमारा संकल्प है उत्तराखंड हमारे भारत का एक ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति और विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है, जो कि हमारे वेद पुराणों, ऋषि मुनियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं, इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र माँ गंगा का अविरल उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय और उसकी कोख में पनपती प्रकृति उत्तराखंड की धरोहर है, इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी अहम है। उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा होने के कारण भारत के लिए इस राज्य का भौगोलिक और रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है, इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए भी उत्तराखंड की भूमिका अहम है। यह हमारा एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश भी है, ये वीरों की भूमि है। उत्तराखंड के नागरिकों का भारतीय सेनाओं के साथ एक लंबा और गौरवशाली संबंध रहा है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है। इस धरती को कितने ही वीर सपूतों ने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। यहाँ लगभग हर परिवार से कोई पिता, कोई बेटा, कोई बेटी देश के किसी न किसी हिस्से में अपनी सेनाओं के माध्यम से मातृभूमि की सेवा करने में जुटा है। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। खटीमा अपना विधानसभा क्षेत्र है सीएम का, और वहां पर चुनाव प्रचार किया है सीएम ने। सबसे अहम चीज है कि आज आखिरी दिन है, आज चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। ऐसे में क्या आपने देखा आज का, क्योंकि जो चुनाव प्रचार है वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अब चुनाव प्रचार नहीं होगा। देखिए चारों, निश्चित तौर पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और आज सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अगर खटीमा की बात की जाए तो यहाँ से खुद प्रत्याशी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, और आपने देखा है कि लगातार ही जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने क्षेत्र में जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि वहां की जनता का कहना है कि आप उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं को देखें, यहां से जीत आपकी निश्चित है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, और जनता पर इनका कितना प्रभाव पड़ा है ये आने वाली 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव प्रचार में आज पूरी ताकत झोंक दी है, और जिस तरह से आज कई बड़े चेहरे भी उत्तराखंड में आने वाले हैं, कई जो बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड आएंगे और आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार करेंगे। साफ कहा जा सकता है कि इस बार 60 पार नारे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतरी हुई है, और कितनी सफलता इनको मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से
खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधन भी करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से जनताओं पर प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इस बार 60 पार के नारे को बिल्कुल किस तरह से 60 पार का ये जो नारा है इसे बीजेपी पूरा करेगी। रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ हैं। रोहित, कहा जा सकता है कि आज फाइनल अटेम्प्ट का दिन है और उसका नतीजा 10 मार्च को आएगा और ऐसे में बहुत खास हो जाता है आज का दिन राजनीतिक पार्टियों को, सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक पार्टी जो जीत का दावा ठोक रही है उत्तराखंड में। अगर 21 साल की बात करें तो 21 साल में उत्तराखंड में एंटी इनकंबेंसी फैक्टर इस कदर हावी रहा कि तो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अदल बदल के रही और किसी भी राष्ट्रीय दल ने अपना जो शासन काल है दोबारा रिपीट नहीं कर पाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस मिथक को तोड़ा जाए और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेनिंग की शुरुआत जो है विजय संकल्प यात्रा के से कर दी थी और उसके पहले शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी जिसमें भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने उत्तराखंड का रुख किया था और सैनिकों के सम्मान के तहत शहीदों के आगमन की मिट्टी को कलशों में लाया गया था और देहरादून में बनने वाले भवन सैन्य धाम की आधारशिला पर मिट्टी को समाहित किया गया था और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर पहुंचते हैं और जनसभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत होती है। उत्तराखंड के तमाम 70 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाती है। उत्तराखंड में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं केंद्र के स्तर पर वो उतरते हैं, संगठन के नेता आते हैं और केंद्रीय मंत्रियों का लगातार विजय संकल्प रैली में आना होता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भी प्रसिद्ध, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े नेता उत्तराखंड का रुख लगातार करते रहे हैं और आज भी इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव के तहत ये आखिरी जनसभा होगी रुद्रपुर में। गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी के तहत आज पहुंच रहे हैं और लगातार पूरा प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बार फिर से जनता आशीर्वाद दे ताकि बीजेपी की सरकार बन सके। बीते रोज असम के मुख्यमंत्री आए थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 2 दिवसीय दौरा होता है तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर, राष्ट्रीय नेताओं के स्तर पर, चाहे वो अलग अलग राज्यों में बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मिथक को तोड़े, एंटी इनकंबेंसी इस बार ना प्रभावी हो और जनता एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए। बिल्कुल देखिए रोहित, आखिरी दिन पीएम का ये जो दौरा है इसे बीजेपी के सामने एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हिजाब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए उत्तराखंड में। ये बड़ा बयान दिया है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबको बराबरी का हक मिलेगा। सरकार बनने पर सिविल कोड के ड्राफ्ट के लिए कमेटी बनाई जाएगी। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह बने हुए हैं। रोहित, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है लगातार बीजेपी करती रही है, इसकी मांग बीजेपी करती रही है, लेकिन चुनाव के दौरान में अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आखिर किस वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और इसकी मांग तो देश में की जा रही है तो सिर्फ उत्तराखंड के लिए इसका जिक्र क्यों? काफी वायरल हो रहा था। हालांकि हरीश रावत ने खंडन किया है कि उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में खोली जाएगी। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस बात को स्वीकारा है लेकिन हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इस बात को साफ तौर पर नकारा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सिविल कोड की बात कही है और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में बात हो चाहे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात हो। एक वर्ग विशेष को खुद करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही जा रही है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती है, लिहाजा तमाम विकास कार्यों को भी गिनाया है और कांग्रेस की जमकर आलोचना भी की है मुख्यमंत्री ने। रोहित, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है और आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, इसको लेकर हर पार्टी अपनी तरफ से जो भी उन्हें वादा समझ आ रहा है वो कर रहे हैं ताकि जनता उन्हें वोट दे, उनकी पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपी जाए और इसके लिए हर पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है।
बिल्कुल सरुल, बीते रोज की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने बकायदा एक एफिडेविट पे साइन करके दिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में और अगर जो तमाम जो वायदे अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने किए हैं और जो चार पांच बड़ी घोषणाएं की, अगर उनको आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं पूरा करती है तो उत्तराखंड की जनता उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, उन्हें जेल भिजवा सकती है और पूरा एक एफिडेविट साइन करके जो है प्रेस वार्ता के दौरान जनता को संबोधित किया है। इसी के तहत वो लगातार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब देखिए अपने मैनिफेस्टो को लेकर कहा है कि हमारा दृष्टि पत्र है, ये हमारा संकल्प पत्र है, हम तमाम वायदों को पूरा करेंगे, जिन जिन वायदों पर हमने अमल किया है और जिन सुझावों को हम अमल में लाए हैं इन तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा। लगातार जो है चुनावी वायदों के तहत ही कांग्रेस के द्वारा भी उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम चार काम, इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच जा रही है कांग्रेस और उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है और 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, 500 रुपए से अधिक सिलेंडर के दाम नहीं होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस भी जनता के बीच जा रही है और एड़ी चोटी का जोर तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा, ये चुनावी शोर थम जाएगा, तो लिहाजा सभी राजनीतिक दल ये अंतिम पड़ाव पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए चुनावी वादे तो सभी ने किए हैं लेकिन किसके वादे जनता को पसंद आते हैं ये फिलहाल 10 मार्च को साफ होगा, बने रहिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हरिद्वार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, दोपहर 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं हरिद्वार में, बीजेपी कार्यकर्ता अमित शाह का स्वागत करेंगे। विधानसभा चुनावों के लिए यहां पर प्रचार करने वाले हैं शाह, हरिद्वार में डोर टू डोर कैंपेन भी अमित शाह का रखा गया है, हर की पौड़ी पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। तो आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं उधम सिंह नगर, यहां पर अगर हरिद्वार की बात कर लें तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो देश के गृह मंत्री भी हैं वो पहुंच रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार और यहां पर डोर टू डोर कैंपेन भी अमित शाह का रखा गया है। इसके साथ ही जनता से रूबरू होंगे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से स्वागत समारोह भी रखा गया है। हमारे साथ संजय पुंडीर भी जुड़ गए हैं। संजय, देखा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज जो हैं वो मैदान में उतारे हैं लेकिन आखिरी दिन आप देखिए पीएम भी उत्तराखंड में है और देश के गृह मंत्री अमित शाह वो भी पहुंच रहे हैं हरिद्वार, यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत भी करेंगे, सबसे अहम चीज है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे शाह। देखिए चलो, निश्चित तौर पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं यानी जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह खुद आज हरिद्वार आएंगे और सबसे पहले जनरल सारे चौक से हर की पौड़ी पहुंचेंगे जहां माँ गंगा की पूजा अर्चना कर वहां आशीर्वाद लेंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि इस तरह से आज आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना एडी चोटी का जोड़ लगा दिया है और वहां के जो प्रत्याशी है मदन कोशी कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे और सबसे बड़ी बात आज अमित शाह डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी अमित शाह को कहा गया है तो साफ देखा जा सकता है कि आज जिस तरह से प्रचार करेंगे इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है स्थानीय है वो भी कहीं ना कहीं उत्साह है। अब देखते हैं कितना जनता का समर्थन मिलता है, ये आने वाले 10 मार्च को साफ हो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरह से 5 बजे तक की प्रचार है तो कहीं ना कहीं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के खुद जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं और बड़े बड़े चेहरे भी आज उत्तराखंड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखते हैं किस तरह से उत्तराखंड वासियों का आशीर्वाद आज मिलता है भारतीय जनता पार्टी। संजय, अगर हम समीकरणों की बात कर लें, क्या लगता है क्या समीकरण बनने वाले हैं जब देश के प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड में होंगे और गृह मंत्री खुद उत्तराखंड आ रहे हैं, यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे और उधर प्रधानमंत्री जनसभा करने वाले हैं, इसका आने वाले समय में आप क्या मानते हैं कितना असर वोटिंग पर होगा? देखिए चारुल, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में इतिहास रहा है, अगर 20 सालों की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार भारतीय जनता पार्टी तो एक बार कांग्रेस की राजनीति रही है लेकिन इस पिथक को तोड़ने का पूरा जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आपने देखा है कि एंटी इनकमबेंसी की राजनीति है उसका कितना असर पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पर और किस तरह से इस प्रभाव को खत्म करेगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस तरह से इस मिथक को तोड़ पाती है और इस बार किस तरह से उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आती है ये देखने वाली बात होगी। जी तरुण, बिल्कुल संजय, अगर ये मिथक टूटेगा तो एक बार फिर से एक नया इतिहास रचा जाएगा, आप बने रहिए आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के अंदर जिन्ना की आत्मा बस गई है और बस इसीलिए वो आज जिन्ना की भाषा बोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन की गुणवत्ता और सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाली कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमने कभी राहुल गांधी से सबूत नहीं मांगा। हरीश रावत के स्वयं को भीष्म बताने के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गलत पार्टी में होने और हारने का एहसास हो गया है, नमक का कर्ज चुकाने के लिए कांग्रेस में है। सीएम बिस्वा ने कहा कि उन्होंने देवभूमि में पीएम मोदी और सीएम धामी की लहर है। राजनीति तो विकास का भी, लेकिन ये लोग हिजाब का बात बोल के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बात बोल के, मद्रासा शिक्षा को तनख्वाह देने का बात बोल के, नमाज का दिन बंद करने का बात बोल के, ये लोग तो ये तुष्टिकरण का राजनीति बना दिया। कोई बीजेपी से बोला है कि मंगलवार हनुमान का दिन है, बंद रहेगा वो दिन? कोई तो बीजेपी से कभी नहीं बोला है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड दौरे पर हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली को यहां पर संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कुछ देर में खटीमा में रैली भी संबोधित करने वाली हैं। दोपहर में हल्द्वानी और श्रीनगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज सीएम ने भी खटीमा में चुनाव प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे और खुद मुख्यमंत्री खटीमा से उम्मीदवार हैं तो अपने पक्ष में भी वोट मांगे, समर्थन मांगा। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज खटीमा जाएंगी, उत्तराखंडी स्वाभिमान रैली को संबोधित करने वाली हैं आज प्रियंका गांधी। हमारे साथ संवाददाता रोहित विक्रम सिंह और संजय पुंडीर जुड़े हुए हैं। रोहित, अगर हम बात कर ले प्रियंका गांधी की, तो जिस तरह बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज उतारे हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है और जिस तरह अभी आपने बताया भी कि एफिडेविट साइन करके दे दिया है कि अगर हम अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो आप कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है, हर किसी को सत्ता नजर आ रही है और उसके लिए हर तरीका अपनाने के लिए तैयार है। बिल्कुल चारू, अगर हम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बात करें तो हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिम्मा उनके हाथ में है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए समय निकाल रही हैं और कांग्रेस की बड़ी स्टार प्रचारक है, बड़ा दायित्व उनके पास है, लिहाजा ये तीसरा दौरा है, चुनावी दौरा है प्रियंका गांधी का। और इसी के तहत आज वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो विधानसभा सीट है खटीमा, वहां पर पहुंच रही हैं और करीब 11:45 पर पहुंच जाएंगी और भारतीय कांग्रेस के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील करेंगी। कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी सक्रिय हो चुका है प्रियंका गांधी की इस फिजिकल जनसभा को, जो कई जगह कई अलग अलग विधानसभाओं में वर्चुअल दिखाने का पूरा प्रयास है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिम्मा दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वर्चुअल रैली स्थल तक पहुंचाया जाए ताकि कांग्रेस क्या कुछ सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को सौगात देगी और जो चुनावी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वायदे किए हैं उनको किस हद तक पूरा किया जाएगा और प्रियंका गांधी इन तमाम चीजों को समझा सके। और उसके बाद करीब 1 बजे के करीब वो शहर पहुंचेंगी और श्रीनगर में भी लगातार जो है चुनावी कैंपेन करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी और कांग्रेस का आईटी सेल जो है उनकी जनसभा को अलग अलग विधानसभाओं में सुनाने का प्रयास करेगा। और उसके बाद वो करीब 2:30 बजे के करीब हल्द्वानी पहुंचेंगी और वहां पर भी एक जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है और पूरा प्रयास कांग्रेस का यही हो रहा है क्योंकि आज चुनावी शोर 5:00 बजे थम जाएगा, उससे पहले कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल बन सके और प्रियंका गांधी की फिजिकल और वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस की नीतियों को रीतियों को जन जन तक समझाया जा सके, इसके तहत पूरा प्रयास इस समय कांग्रेस के भीतर हो रहा है। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, खटीमा में जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगी, इसका कैसा असर आप देखते हैं बीजेपी की ओर से? देखिए, जो मुख्यमंत्री फेस हैं और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है खटीमा, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। आपने देखा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का आज
उत्तराखंड में तीसरा दौरा है और बीते दिनों भी जिस तरह से प्रियंका गांधी पहुंची थी, उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और आज फिर यह उत्तराखंड में आ रही है। सबसे पहले श्रीनगर और खटीमा भी जाएगी, वहां पर रोड शो में शामिल होगी और खुद खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से प्रत्याशी और उनके आज उनकी खटीमा में आज रोड शो करेगी। कितना प्रभाव जनता पर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस पार्टी है वो भी पूरी तरह चुनावी समर में है और पूरी तरह जी जान अपनी चुनावी प्रचार में झोंक दी है। जी चारू बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने लीगल गारंटी ली है और कर्नल कोठियाल ने एफिडेविट साइन कर कहा कि जनता के लिए, जनता के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। इसके साथ ही कोठियाल ने कहा कि अगर मैं वचन पत्र के हिसाब से काम नहीं करता हूं तो उत्तराखंड की जनता कर्नल कोठियाल पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। बीजेपी कांग्रेस वाले जानते हैं कि उनको सत्ता में आकर सिर्फ जनता को लूटना है, वो इस तरह की लीगल गारंटी नहीं दे सकते। एफिडेविट पे जनता को बता रहा हूं कि मैं आज, आप हकदार हो मेरा गला पकड़ने के, अगर इसमें से, इस मैनिफेस्टो में से किसी भी मुद्दे को मैं नहीं करते हुए दिखाई दिया, अगर मैं कहीं बदली होता हुआ दिखाई दिया तो मैं आपके सामने ये कबूल करूंगा, वो मैं इस एफिडेविट के जरिए सबके साथ शेयर कर रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लक्सर विधानसभा का हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने दौरा किया है। अति संवेदनशील मतदान केंद्र का डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के तरीकों पर भी जनता से फीडबैक लिया गया है। हरिद्वार जिले में तैनात होंगी पैरामिलिट्री फोर्स की 23 कंपनियां। लक्सर में हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी ने लक्सर और खानपुर विधानसभा के कई गांवों में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और वहां मतदान के लिए आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे चुनाव प्रचार के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली। डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने खानपुर विधानसभा के ढाढ़ेकी, कुआ खेड़ा सहित कई गांव के अति संवेदनशील मतदान केंद्र का दौरा किया। हम और हमारे एसएसपी साहब, हम लोगों ने भ्रमण प्रारंभ किया है। पूर्व में भी हम लोगों का भ्रमण होता रहा है। आज हम लोगों ने स्पेसिफिकली इलेक्शन के पर्पस से कुछ हमारे जो एरियाज़ हैं रिमोट की हैं, जो हरिद्वार से दूर पड़ती हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से कुछ बातचीत भी की है और फीडबैक भी लिया है कि किस तरह के हालात हैं। साथ ही साथ जो रास्ते में पड़ने वाले बूथ थे, जो संवेदनशील असंवेदनशील बूथ हैं, उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया है। पर्याप्त व्यवस्थाएँ हैं कि नहीं वो भी देखा गया है। हम लोगों का फीडबैक यह है कि हरिद्वार में पहले भी बहुत ही पीसफुल इलेक्शंस होते रहे हैं और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी तरफ से। और आज मैं और डीएम साहब देहात के भ्रमण पर यहाँ पर हम आए हैं और इसका उद्देश्य एक फील लेना भी है कि क्या चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और हमारी जो व्यवस्थाएँ वो ठीक हैं कि नहीं है। यहाँ पर हमने जो संवेदनशील और अति संवेदनशील हैं उनमें हमने पैरामिलिट्री की फोर्सेज दी हैं। 23 कंपनी पैरामिलिट्री हमारे पास आ चुकी हैं जो कि डिप्लॉय की जाएंगी और हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय पुनीर बने हुए हैं। संजय, लगातार देखा जा रहा है कि अधिकारी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, परिस्थितियां बिगड़ ना जाए, इसके लिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं। अति संवेदनशील केंद्र जो है वहां पर भी अधिकारी जा रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। देखिए चारुल, 14 तारीख को उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में चुनाव होना है, ऐसे में लगातार ही प्रशासन सभी जनपदों की में जायजा ले रहा है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी करीब 11 विधानसभाएं आती है और जिला अधिकारी और एसएसपी तमाम जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के है, ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। साफ देखा जा सकता है कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और जो इस बार पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे उनको भी बताया जा रहा है किस तरह से मत का प्रयोग करें। तो साफ कहा जा सकता है कि हरिद्वार जिला प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसको लेके लापरवाही दिखाई दे रही है उसी जगह लगातार निरीक्षण किया जा रहा है क्योंकि जो संवेदनशील इलाके है वहां भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। जी तारुल, चलिए बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।
उधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और हरिद्वार में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 74 पेटी बरामद की। रानीपुर पुलिस ने 52 पेटी अंग्रेजी और 22 पेटी देशी शराब जब्त की। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। सूचना मिली कि बीएचएल रानीपुर में किसी मकान में जो है कुछ शराब रखी हुई है, जिस पर उस मकान का चेक किया तो वहाँ पर से 52 पेटी अंग्रेजी शराब जो विभिन्न ब्रांड की है और 22 पेटी ये पिकनिक ब्रांड की देसी शराब मिली है, जिन पर कब्जे लेकर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है।